मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है। यहाँ से हम लोग जाएंगे गोरखपुर। आगे की यात्रा करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। और ये लखनऊ एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ। रास्ते में ढाबा मिला, यहाँ पे आराध्या क्या कर रही है? हाँ? बिहार और पूर्वांचल में बड़े ही धूमधाम के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। व्रत करने के बाद भगवान राम और माता सीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार, आप देख रहे हैं ओएस ब्लॉगर। सामने ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आ चुके हैं दिल्ली से अपने घर छठ मनाने। तो चलिए छठ पूजा के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली से गोरखपुर की यात्रा दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे पूरा छठ पूजा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और लाइक करें। तो ये हम लोग अब आ चुके हैं अपने घर से निकलकर यमुना एक्सप्रेसवे। मेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है। यहाँ से हम लोग जाएंगे गोरखपुर। तो नोएडा से गोरखपुर की जो कुल दूरी होगी हम लोग तय करेंगे लगभग 780 किलोमीटर, जो हम लोग 12 से 13 घंटे में पूरे आराम से तय करेंगे। तो चलिए आपको दिखलाते हैं नोएडा टू गोरखपुर की ये अपनी कार यात्रा। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। इस एक्सप्रेसवे से हम लोग नोएडा से आगरा तक की यात्रा पूरी करेंगे, फिर आगरा से हम लोग पकड़ लेंगे आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे। वहाँ से लगभग आगरा से लखनऊ हम लोग 4 घंटे में पहुँचेंगे। और जो हमारी पूरी यात्रा होगी नोएडा टू गोरखपुर, वो हम लोग 12 घंटे में तय करेंगे।
अब यहाँ से आगरा की सीमा समाप्त होगी और अब हम लोग आगे की यात्रा करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। और अब ये सामने है लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है का बोर्ड, और अब इन्हीं रास्ते से होते हुए हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये है लखनऊ एक्सप्रेसवे का पहला टोल। और ये लखनऊ एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं, दोनों तरफ लाइटिंग लगी है। रात में ये लाइट जब जलते हैं तो और भी खूबसूरत दृश्य होता है इन रास्तों का, ये आप देख सकते हैं। जैसे आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच में हर 100 किलोमीटर पे एक प्लाजा है जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल अगर गाड़ी में भरवाना हो भरवा सकते हैं। तो ये हम लोग भी इस प्लाजा पे, फूड प्लाजा पे रुकेंगे, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये प्लाजा पे हम आ गए हैं। यहाँ पे रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर फिर हम लोग आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। लगभग आज ही रात 10 बजे के करीब हम लखनऊ पहुंचेंगे और रात के 1 से 2 बजे के करीब हम लोग अपने मंजिल यानी गोरखपुर पहुंच जाएंगे। अब ये देखिए, ये रात में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का खूबसूरत दृश्य। बेहतरीन सड़कें, सड़कों के दोनों तरफ ये लाइटें यात्रा को और भी खुशनुमा बना दे रही है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ, तो अभी हम फिलहाल करेंगे ये कि लखनऊ सिटी को क्रॉस करेंगे। पहले सिटी के ट्रैफिक से निजात पा लें, उसके बाद बाहर चल के किसी अच्छे से ढाबे की तलाश करेंगे और वहां पे खाना खाएंगे, उसके बाद हम आगे की यात्रा यानी गोरखपुर की यात्रा आरंभ करेंगे। तुम्हें ढाबा मिला यहाँ पे, आराध्या क्या कर रही है? हैं? तो हम झूला झूले पर झूला पे एंट्री नहीं कर पा रहे। इधर रियांश बाबू, ये है ढाबा लखनऊ के बाहर निकलने पे ढाबा मिला है, यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे फिर निकलेंगे गोरखपुर के लिए। आजा बाबू, इधर आराध्या क्या कर रही है? आराध्या अभी तो हम लोग को बहुत दूर चलना है, तुम झूला झूल रही हो। ये तो खाना है, बहुत टाइम। और ये गई दीदी, और इसको देखो बाबू, बाबू क्या कर रहा है?
आइएगा जयपुर, जयपुर नहीं लखनऊ, लखनऊ आइएगा और आप इस होटल में आइएगा, तो ये अब हम लोग घाट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं छठ घाट पे जाने की तैयारी चल रही है। ये डाला लेकर अब छठ घाट चलेंगे, वहाँ पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह यानी कर भोर में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस महा छठ व्रत का समापन होगा जो कि 4 दिनों तक चलता है। ये व्रत बिहार और पूर्वांचल में बड़े ही धूमधाम के साथ ये पर्व को मनाया जाता है। आजकल विदेशों में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिलती है। ये आप देख सकते हैं छठ घाट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे सब छठ व्रत बिहार के साथ साथ अब पूरा ग्लोबली भी हो गया, विदेशों में भी आप छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हुए देख सकते हैं। इसके पीछे कई सारी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम माता सीता को लेकर अयोध्या पहुंचे थे तब दिवाली मनाई गई थी और इसके 6 दिन बाद ही राम राज्य की स्थापना हुई थी और इसी दिन माता सीता ने सूर्य व्रत रखा था जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है और इसी व्रत करने के बाद भगवान राम और माता सीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जिसे लौकुश के नाम से जाना जाता है। तभी से ये छठ व्रत अनवरत चला आ रहा है और पूर्वांचल और बिहार में इसे धूमधाम से मनाया जाता है और माना यह भी जाता है कि इसी दिन से राम राज्य की स्थापना भी हुई थी। पहले मैंने रामायण में उल्लेखित छठ व्रत की महिमा के बारे में बताया, अब ऐसी ही एक कथा महाभारत में भी उल्लेखनीय है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये जानकारी आपको पहले कभी नहीं सुनने को मिली होगी, तो सुनिए। महाभारत में ऐसा उल्लेखनीय है कि जब पांडव जुए में अपना पूरा राजपाट हार गए थे तब द्रौपदी जो कि बिहार से आती थी वो छठ व्रत रखी और इसी छठ व्रत की महिमा से पांडवों को उनका पूरा राजपाट मिला था। तब से यह छठ व्रत बिहार के लोग करते आ रहे हैं। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन के रूप में माना जाता है। तो इन मान्यताओं के अनुसार माता सीता और द्रौपदी दोनों बिहार से थी इसलिए इस व्रत का जो जनक माना जाता है वो बिहार प्रदेश ही माना जाता है और ये दोनों देवियों ने इसकी शुरुआत की थी।
तब से इस पूजा को केवल बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अब यह धीरे धीरे पूरे देश और विदेशों में भी आपको छठ व्रत पूरे विधि विधान के साथ देखने को मिल जाएगा। इसी के आधार पर माना जा सकता है कि महाभारत और रामायण काल से इस व्रत की यह व्रत अनवरत चलता आ रहा है। और ये अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद अब हम लोग घर पे आ चुके हैं। ये देखिए अब यहाँ पे ये कोसी भरने का कार्यक्रम चल रहा है। माना ये भी जाता है कि अगर कोई मन्नत होती है जो छठ माता पूरी कर देती हैं तो लोग घाट पे और अपने घर पे ये कोसी भरते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये यहाँ पे कोसी भरा जा रहा है और साथ ही यहाँ पे बैठी महिलाएं कुछ लोक गीत गाती हैं। इन गीतों को आप सुनिए। Thank you.
और अब ये भोर में सभी लोग घाट पे पहुंच चुके हैं और अब उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये महा छठ व्रत की समाप्ति हो जाएगी। हाँ नानी बोलो चलिए आइए इधर।